सारे बुला लिए इन्होंने, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए, सारे सांसद बुला लिए, अमित शाह जी आ गए, मनोज तिवारी आ गए, सारे आ गए दिल्ली में, सारे धुरंधर देश के, और सबका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना। सारे लगे पड़े हैं मेरे पीछे, अपनी जान भी दांव पे लगाई देश के लिए, और ये कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि आप मुझे अपना बेटा मानते हो या आतंकवादी मानते हो। पिछले 5 साल में हम सब लोगों ने मिलके, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ जी, केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, ये तो आपकी मेहरबानी थी, पता नहीं आपको क्या लगा 5 साल पाए पहले आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी इस छोटे से आदमी को। लेकिन पिछले 5 साल में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक करे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब ये पिछले कुछ दिन में मैं देख रहा हूँ, अमित शाह जी रोज आते हैं और हमारी बेइज्जती करके चले जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले आए, बोले केजरीवाल ने कहा था मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, बोले मैं 2 दिन से दूरबीन लेके देख रहा हूँ पूरी दिल्ली में, मुझे सीसीटीवी कैमरे नहीं दिख रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं नहीं लग रहे आपके यहाँ? तो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? ये शोभा देता है गृह मंत्री को इस तरह से खुलेआम झूठ बोल। और इस बात से जनता को गुस्सा आ रहा है। मजे की बात ये कि वो जिस स्टेज से बोल रहे थे, मैं कैसे लाजपत नगर में था, लाजपत नगर की जिस स्टेज से बोल रहे थे कि कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, उसके ऊपर ही 3 कैमरे लगे पड़े थे। वहाँ की आरडब्ल्यू वालों को इतना गुस्सा आया, अगले दिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग अमित शाह जी की उनके घर भेज दी। बोले जी जो कल आप भाषण दे रहे थे और कह रहे थे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, इसके रिकॉर्डिंग देख लो, केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। फिर अभी 2 दिन पहले आए, बोले दिल्ली की पढ़ाई बहुत खराब है, दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब है। भाई साहब इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 96% आए हैं, 96% नतीजे। भारत के इतिहास में 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने कहीं भी पूरे देश में सरकारी स्कूलों के नतीजे 96% नहीं आए, 96% नहीं आया। ये केजरीवाल ने नहीं करा, हमारे बच्चों का कमाल है। मैंने पढ़ाई थोड़ी करी थी, हमारे बच्चों ने पढ़ाई करी थी, हमारे बच्चों ने मेहनत करी थी, रात रात भर पढ़ाई करी थी, उन बच्चों के माँ बाप ने रात रात भर उन बच्चों को पढ़ाया था, उनके टीचर्स ने पढ़ाया था, टीचर्स ने मेहनत करी थी, तब 96% नंबर आए थे। इस साल हमारे 450 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे, 450 से ज्यादा बच्चे IIT का पेपर पास करा उन्होंने। IIT, जिनको नहीं पता, IIT देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट है। मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है IIT पास करने के लिए, ऐसे ही नहीं होता। पूरे देश में 15 लाख बच्चे बैठते हैं IIT के लिए और 3,000 बच्चे पास होते हैं। उन 3,000 में 450 बच्चे हमारे दिल्ली सरकारी स्कूलों के थे। बड़ी बात है कि नहीं है? आजकल इन्होंने प्रचार करने के लिए, इस बार दिल्ली की राजनीति में एक और बड़ी बात हो रही है, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। पहले दिल्ली में 3 पार्टियां थी, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब ये सारों ने गठबंधन कर लिया, इस बार BJP, कांग्रेस, JDU, RJD, LJP, पता नहीं कितनी पार्टियां उठा के ले आए पूरे देश से, और सारे मिलके इनका सबका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना। इनके पास दिल्ली का कोई विजन नहीं है। बीजेपी ये नहीं बता रही कि इन्होंने MCD में 10 साल में क्या काम करा। ये कहते हैं हमने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, हमारे स्कूल खराब है। रे तुम बता दो तुमने MCD में क्या काम करा? तुम्हारे को दिल्ली के लोगों ने MCD की जिम्मेदारी दी थी, एक काम बता दो। तुमको दिल्ली के लोगों ने पुलिस की जिम्मेदारी थी, एक काम बता दो। पुलिस से दुखी रहती है कि नहीं रहती जनता? आप अपने काम गिनाओ, अच्छे काम गिनाओ। अब ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है और अब ये इससे भी काम नहीं चला इनका। अब ये सारे अपने 200 MP लेके आएंगे बाहर से। अमित शाह जी लगे हुए हैं, पहले खुद ही मनोज तिवारी लगे हुए हैं। कल गुजरात के मुख्यमंत्री आके मेरे को गालियां दे रहे थे। वहाँ पे जो जनता थी, जनता ने पूछा उनसे, उन्होंने पूछा विजय जी ये बताओ, रूपानी साहब ये बताओ, गुजरात में बिजली क्या रेट है? वो बोले 10 रुपए यूनिट। तो जनता बोली जी यहाँ तो हमारे केजरीवाल ने फ्री कर रखी है बिजली। तो बोली आप जाके पहले अपने गुजरात को संभालो ना, वहाँ बिजली फ्री करो पहले, हमको भाषण देने क्यों आ गए, हमको सिखाने क्या सिखाने आए हो? आज मनोहर लाल खट्टर साहब आए हुए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, सारे बुला लिए इन्होंने, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए, सारे सांसद बुला लिए, अमित शाह जी आ गए, मनोज तिवारी आ गए, सारे आ गए दिल्ली में, सारे धुरंधर देश के, और सबका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना। सारे लगे पड़े हैं मेरे पीछे। खट्टर साहब से जनता ने पूछा, जनता बोली जी हरियाणा में कितने घंटे बिजली आती है रोज? वो बोले जी 10 घंटे। बोले हमारे केजरीवाल ने तो 24 घंटे बिजली कर रखी है दिल्ली में। तो बोले आप जाओ अपने हरियाणा, पहले हरियाणा में जाके बिजली ठीक करो, फिर यहाँ पे आना। मेरे को किसी ने वोट दिया कि नहीं दिया, लेकिन एक बार जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। बीजेपी वालों का भी हूँ, कांग्रेस वालों का भी हूँ, आम आदमी पार्टी वालों का। 5 साल मैंने सबका काम करा है। मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया उसका भी काम करा। हमने स्कूल बनवाए, अच्छे स्कूल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के बच्चे भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं। तो मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के। मैं आपको अपनी पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा, आप अपनी पार्टी में रहो, लेकिन इस बार वोट सारे जने झाड़ू पे दे देना। वो इसलिए
कि भाई साहब हमारे दिल्ली के स्कूल और अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, 5 साल में बहुत मेहनत करके ठीक किए हमने, अब अगर आपने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो ये फिर खराब हो जाएंगे। मैं अपने लिए वोट नहीं मांगने आया, दिल्ली की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने स्कूल अस्पतालों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए इस बार झाड़ू पे सारे जने वोट दे देना, अपनी अपनी पार्टी को भूल के। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फंक्शन करा था देश के अंदर, जो भ्रष्टाचारी बड़े बड़े थे उनके खिलाफ फंक्शन करा था, मैं उनको जेल भिजवाने के लिए फंक्शन करा था, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि 15 दिन भूखे रह गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले की दया से आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। अपनी जान भी दांव पे लगाई देश के लिए, और ये कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने आप लोगों का पिछले 5 साल से मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों का बेटा बन के आपकी सेवा करने की, अब निर्णय आप लोगों को करना है कि आप मुझे अपना बेटा मानते हो या आतंकवादी मानते हो। 8 तारीख को जब वोट डालने जाओ, अगर आप मेरे को आतंकवादी मानते हो तो कमल का बटन दबा देना, और अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो, दिल्ली का विकास चाहते हो, अगर बड़ा भाई मानते हो तो झाड़ू का बटन दबा देना।